नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब में स्वागत है। दोस्तों, आरबीआई ने कर्नाटक के एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, यानी अब इसके कस्टमर जो है वह प्रतिदिन 1,000 रुपये से ज़्यादा जो है वह नहीं निकाल पाएंगे। आरबीआई ने यह इंस्ट्रक्शन क्यों लगाया है इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, कर्नाटक कोऑपरेटिव बैंक एक कर्नाटक का बैंक है। इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है वह पैसा जमा करते थे। अभी हाल ही में एक फ्रॉड जो है इस बैंक में सामने आया था, जिसके मुताबिक जो है बैंक ने 34.16 करोड़ रुपए का फ्रॉड जो है वह रजिस्टर किया था। यानी कंपनी के पास 34.16 करोड़ रुपए के जो लोन दिया था वह जो है कंपनी जो है रिकवर नहीं कर पाई थी, यानी बैंक जो है वह रिकवर नहीं कर पाई थी। इस कारण से आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने इसमें इस इंस्ट्रक्शन लगाया है। इसके अलावा ही यह बैंक किसी और भी दूसरे बैंक को या दूसरे व्यक्ति को जो है वह लोन भी नहीं दे पाएगी, और बाकी दूसरे बैंक के जो काम है वह सारे काम जो है आप कर सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ने इसमें जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है उसके मुताबिक आप बैंक से केवल प्रतिदिन 1,000 रुपये ही निकाल पाएंगे, इससे ज़्यादा जो है आप निकाल नहीं सकते हैं। आरबीआई ने यह इंस्ट्रक्शन लगाई है और उसके उन्होंने कहा है कि कंपनी का जो 99.58% जो डिपॉजिटर है, यानी 99.58% कस्टमर जिन्होंने बैंक में पैसा जो है जमा किया है, उनका पैसा जो है वह पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि DICGC के अंतर्गत उनका जो पैसा है वह सुरक्षित है। आपको बताया दें कि DICGC को निर्मला सीतारमण ने सितंबर 2020 में इंट्रोड्यूस किया था। इसके मुताबिक जितने भी अर्बन और कोऑपरेटिव बैंक हैं उन्हें जो है इंश्योरेंस की फैसिलिटी जो है वह दी जाती है। दोस्तों, अगर आपका भी पैसा कर्नाटक बैंक में जमा है तो आप उससे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाल लीजिए। वैसे आपका पैसा तो सेफ है, लेकिन जो है आप मैक्सिमम एक दिन में 1,000 रुपये से ज़्यादा जो है वह नहीं निकाल सकते। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।